सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा फिर आया सुर्खियों में। महिला डॉक्टर का ऑडियो हुआ वायरल। गर्भवती महिला के जहां नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, वहीं परिजनों से कहा गया होगा सीजर। परिजनों ने लगाया आरोप, कहा जहां शाहपुरा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ महिला डॉक्टर गुंजन भार्गव हमारी बहू की सीजर करने की बात कर रही थी, वहीं जबलपुर हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी से हुआ बच्ची का जन्म। शाहपुरा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में नहीं उपलब्ध रहती सीजर किट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर से लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से मंगाई जाती है सीजर किट। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के बीच चलता है कमीशन का खेल। 1250 रूपए की सीजर किट प्राइवेट मेडिकल स्टोर में मिलती है 3500 रूपए में। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा में एक्सरे मशीन पैथोलॉजी लैब होने के बाद भी प्राइवेट लैब से कराई जाती है जांचें, जहां डॉक्टरों द्वारा खुलेआम चलता है कमीशन का खेल। वहीं डॉक्टर कहते हैं कि कोविड के कारण उपलब्ध नहीं है सीजर किट। यहां तक कि ऑडियो में डॉक्टर का कहना है कि विक्टोरिया एल्गिन में भी नहीं हो पाती है सीजर किट की व्यवस्था। तो वहीं जहां तक मेडिकल में सभी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वहीं परिजनों द्वारा मेडिकल स्टोर से मंगाई दवाई का मेडिकल स्टोर वाले से बिल मांगने के कारण महिला डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद किया गया जबलपुर रेफर। मेरी पत्नी गर्भवती थी, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र वहां पे ले गए, डॉक्टर गुंजन सिंह का ट्रीटमेंट कराया, तो जो दवाई मतलब वहां पे मिलनी थी एक तो वहां पे नहीं मिली। मैडम ने सब प्राइवेट दिलवाई, प्राइवेट दी और बोली कि आपने की जांच करा, तो महंगी महंगी जांचें कराई, तो जांच करा के ले गए वहां पे। मैडम ने देखा बोले सब ठीक है। मैडम ने सीजर के लिए बोला कि इनका मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, रात इनको अपन यहीं पे रखे, कल सुबह 11 बजे इनका अपन सीजर करते हैं। तो सामान के लिए बोला कि आपको प्राइवेट मतलब मेडिकल से सामान लाना पड़ेगा आपको खुद, बोले यहाँ पे वो नहीं है। मैंने सामान लेके दिया इनको, वो सामान आया 3500 रूपये का, तो वहां पे सामान ला के दिया, तो दुकानदार से सिर्फ बिल मांगा मैंने। किस दुकान से दवाइयां लेने के लिए बोला था मैडम? मैडम ने बोला था आप सीधे लक्ष्मी मेडिकल स्टोर जाइए। मैंने उनसे बोला मैडम आप पर्ची दे दीजिए, काका लाना है, बोले आप वहां पे चले जाओ, वहां पे सब पता है उसको, और मेरी फोन पे बात करा देना। तो दुकानदार के पास गए, उन्होंने फोन पे बात कराई, तो मैडम की और उनकी जो भी बात हुई, वहां से सामान ले गए अस्पताल में दिए, बस वहां से बिल मांगा कि भैया ये बिल दे दो, डॉक्टर साहब को दिखाएंगे कि ये सामान मतलब बाहर से मंगा रहे हैं हम लोगों से। तो मैडम के पास जैसे मतलब सामान लेके पहुंचे और बिल के लिए बोली, तो दुकानदार ने मैडम को फोन लगा दी, मैडम ये बिल मांग रहे। तो ऑपरेशन थिएटर में मतलब अंदर मैडम ने सब मरीज को ले गए थे, तो जैसे मैडम के पास फोन आया तो मैडम ने वहां से तुरंत ही रेफर कर दिया कि आपके मतलब जो बच्चा है उसने पेट में लैट्रिन कर ली है, तो आप इसको तत्काल मेडिकल ले जाए। तो मेडिकल लेगा वहां पे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हुई। कब की घटना है ये? 5 तारीख की। 5 तारीख। नाम बताया अपना? आनंद रजक जी। बताए जी, वो मेरी बहू प्रियंका रजक, जिसको डिलीवरी पीरियड में स्वास्थ्य विभाग ले गए, जिसको 2-3 दिन रखा उन्होंने, जांच करके घर भेज देती थी, शाम को फल लिया, सुबह फल लिया, फिर शाम को ले गए, शाम को भर्ती किया, सवेरे कहने लगे सीरज ऑपरेशन होगा 11 बजे। इसके बाद उन लोगों ने पूरी जांच करवाई, फिर कोरोना की हर चीजों की, उनसे बोल रहे कि वहां पास जो मेडिकल की है, कहने लगे इनकी कोई मान्यता नहीं है, हम जो लिख के दे रहे हैं वो जांचें करवा। तो 3500 रूपये की हमने जांच करवाई। इसके बाद उन लोगों ने ऑपरेशन का सामान बोला कि लाओगे, बिल्कुल लाएंगे, कहीं बिल बना दो, कहने लगे नहीं पूर्जी नहीं बनेगी, आप राज लक्ष्मी स्टोर से वहां से जाइए, हम फोन करेंगे, आपको दवाई प्राप्त हो जाएगी। इन मैडम ने फोन किया, हमको दवाई प्राप्त हुई, दवाई वाले ने 3500 रूपये की दवाइयां दी, हमने सिर्फ बिल मांगा, दवाइयों तो इनके पास पहुंचा दी, बिल मांगा। इसके बाद बिल मांगने पे इनने हमारे मरीज को थिएटर पे था बाटल लगी हुई थी, इनने हम लोगों को गुमराह किया कि बच्चे ने लैट्रिन कर ली है, उसकी धड़कनें बंद हो रही हैं, आप जितने जल्दी बने मेडिकल पहुंचो। हम वहां से 108 में लेके मेडिकल पहुंचे, वहां पर हमारी मैडम ने जब मेडिकल कॉलेज में जांच हुई तो 4 बजे का टाइम उनने हमको दिया था, तो 4:22 में बच्चा पैदा हुआ।
जी नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल। यहाँ क्या बोला गया था? यहाँ तो जी वो ऑपरेशन करना था उनको। जी किस मैडम द्वारा यहाँ चेकअप कराया गया? यहाँ गुंजन मैडम द्वारा। जी तो दवाइयाँ कहाँ से मंगवाते? हॉस्पिटल से दवाइयाँ नहीं देते? नहीं, दवाइयाँ वहाँ नहीं मिलती हॉस्पिटल में। जी नाम बताएं। स्वास्थ्य विभाग जी अपना सेपरा वाला। आप अपना नाम बताएं। अशोक कुमार रजक जी बताएं। घटना के देखते हुए मान के चलो कि साहब यहाँ से हम जाने के बाद भी रात में भी इंतजार करते हैं इनका। मैडम बोलती कि नॉर्मल डिलीवरी करें। किस हॉस्पिटल की बात है ये? जी सहपरा सामुदायिक केंद्र है, वहाँ पे हमने रात में एडमिट भी किया मैडम के कहने पे कि अपन नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार करें। नॉर्मल डिलीवरी कौन लगती है? जो जी मेरी बहू है साहब। जी क्या हुआ था? डिलीवरी के समय डिलीवरी की जी, तो मैं वहाँ पे ले आया, तो मैं रात में भी देखा कि रात में कोशिश करेंगे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ऐसी कोई कोशिश नहीं रही वहाँ पे। उन्होंने खाली ग्लूकोज की बॉटल लगाई, ना कि दर्द वाला इंजेक्शन होता है ना दवाइयाँ, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे। और सुबह टाइम दवाई के विषय पर चल रही थी बात है, तो बिल के चक्कर में उनकी कहानी हो गई। कुछ कहानी हो जाने के कारण उन्होंने फिर मेडिकल रेफर किया। जी तो मेडिकल में क्या नॉर्मल डिलीवरी हो गई? साहब यहाँ से मेडिकल जाते हैं तो मैडम वहाँ पे अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाने से मैडम बहुत चिल्लाती हैं, गुस्सा होती हैं कि आपने खाना वाना क्यों नहीं दिया। उनसे बताते हैं मैडम वहाँ पे सहपुरा में समुदाय कैंप पे चल रहा था हमारा यह ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे मैडम ने बहुत चिल्लाया इसको खाना देना चाहिए पानी देना चाहिए, बहुत चिल्लाया। लेकिन फिर भी बोला कि मैडम आप सहपुरा समुदाय भवन में मैडम गुंजन आप उनसे बात करें, उनने मना किया था। तो मैडम ने टाइम दिया कि ठीक है मैं बात करती हूँ, पर मैडम ने 4 बजे का टाइम दिया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ऐसे चलते 4 बजे, 4:21-21:20 पर डिलीवरी हो गई। नाम बताएं। मेरा नाम आशीष रजक शहपुरा जी बताएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक शिकायत आई है पीड़ित परिवार ने, जिसके घर पर डिलीवरी होना थी, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जांच कराने गया तो निरंतर जांच चलती रही, उसकी जो प्रक्रिया है आखिर इस पे इसमें ब्लैकमेलिंग होती कमीशन के चक्कर में कि मैडम जो वहाँ डॉक्टर है उसने कहा कि आप यहीं से जांच करा के लाओ, तो उन्होंने मेडिकल की जांच बताई तो उसको मान्यता नहीं दी गई। तत्काल प्राइवेट पैथोलॉजी से जांच कराने के बाद उनको 3500 रूपये वहां भी लगे, और उसके बाद कहा कि आपकी यहीं हो जाएगी डिलीवरी। सवेरे बोला कि इसको ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा, तब उन्होंने कहा प्राइवेट फिर हॉस्पिटल और दुकान से दवाई को बोला, तो उन्होंने पुर्जा मांगना किया तो बोले चले जाओ फलानी दुकान, हम इसको लेकर के वहां दवाई दे देगा। जब जी गए तो वहां 3300 रूपये का बिल बना, तो एक इनके साथ में थे तो उन्होंने कहा कि हमें बिल दे दो। जब बिल की बात दुकानदार ने मैडम को बताई तो मैडम बिखरे आ गई और कहा कि तत्काल की इनको इस बच्चे के पेट में लैटरिंग हो गई है, ये हो गई, खतरनाक है इसको। तो पहले भी ये कहती रहे कि हमें मेडिकल रेफर कर दो, तो उन्होंने नहीं किया। और इसके बाद में जब ये घटना हुई तो यहाँ पर इन लोगों पर 3300 रूपये का जब बिल मांगने के लिए हुआ तो पोल खुल जाएगी, इसलिए रेफर कर दिया गया। और वहां पर डॉक्टरों ने बहुत गुस्सा हुए कि क्यों ऐसी लापरवाही हुई है। इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी 4 बजे बताई थी, जो 11 बजे कर रहे थे ऑपरेशन। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में शासन स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूकता है कि 1,38,000 रूपये बजट आता है यहाँ कि ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता के लिए सहूलियत मिल सके, परंतु किस तरह की लूट यहाँ है। हर विभागों में ये देखने को मिलता, तो जब जानकारी मिलती है तो यहाँ सब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से दवा खरीदते हैं, ग्लव्स के जो सरकार ग्लव्स उपलब्ध कराए हैं तो ग्लव्स तक लिखते हैं उसकी कीमत 50 रूपया। तो इस तरह से क्यों अंधा है सब प्रशासन के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को इस चीजों की जांच कराना चाहिए। और जो ग्रामीण के जनता के लिए और सारे लोगों के लिए जो व्यवस्था जी बजट दिया है बड़ी मात्रा में, इसका कैसे दुरुपयोग हो रहा है, इन पर कार्रवाई होना चाहिए जांच करके। इसी तरह प्राइवेट अस्पतालों ने जिस तरह कोरोना के नाम पर लूट की है, लोग बर्बाद कर दिए गए और आकर उसका मरीज भी खत्म हो गया। तो इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को स्टिक होना पड़ेगा। मैंने पहले भी मांग उठाई थी और आज भी मांग उठा रहा हूं कि ये कालाबाजारी को रोकना होगा, तब देश की जनता बचेगी, नहीं तो ये लोग करप्शन वाले कर्म कमीशन के चक्कर में इन लोगों की जान लेने के लिए उतारू है। जंग बहादुर सिंह, समाज सेवी, सैपला बटवाली, जबलपुर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।